पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी योद्धा थे, एक और अच्छा शासक भी। वे मात्र 14 साल की उम्र में ही अजमेर के सिंहासन पर बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान ने 16 साल की उम्र से ही अपना देश विजय का अभियान आरंभ कर दिया। अपने संबंधियों के विरोध को शांत करके उसने राजस्थान के कई छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया। उसी समय मोहम्मद गौरी, जो एक बड़ा साम्राज्य का शासक था, उसने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। भटिंडा क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र साम्राज्य में आता था। गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण कर भटिंडा किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इस आक्रमण का जवाब देने पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेना के साथ भटिंडा जा पहुँचे और दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में गौरी फौज बुरी तरह पराजित हुई और मोहम्मद गौरी की जान एक खिलजी घुड़सवार ने बचाया। इस युद्ध से शर्मसार होकर मोहम्मद गौरी ने दूसरी लड़ाई के लिए अपने सैनिकों को सुसंगठित किया और अगले ही साल फिर धावा बोल दिया। कहते हैं तब पृथ्वीराज ने उसे यह पेशकश की थी कि वह पंजाब में चैन से शासन करता रहे, लेकिन गौरी ने उसकी यह पेशकश ठुकरा दी। मोहम्मद गौरी उस समय पंजाब प्रांत का शासक था। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का एक नया मोड़ देने वाली लड़ाई माना जाता है। इस लड़ाई के लिए मोहम्मद गौरी ने बहुत सावधानी से तैयारी की थी। कहते हैं उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ आया था। उसमें घुड़सवारों की जबरदस्त टुकड़ियां शामिल थी। ये घुड़सवार इस्पात के बख्तरबंदों और ढालों से लैस थे। इनमें 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी थे। पिछले बार तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान अपने खुशी में ये नहीं सोचे कि वह दूसरी बार आक्रमण कर सकता है। जब तक चौहान संभल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की गुहार की। कहते हैं कि बहुत से राजाओं ने उसकी सहायता के लिए अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेजी, परंतु कन्नौज का शासक जयचंद अलग खड़ा रहा। बहुत से इतिहासकार अब इस कथा को सही नहीं मानते हैं कि जयचंद के इस अलगाव का कारण यह था कि पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री का, जिसे चौहान राजा से प्रेम था, अपहरण किया था। यह कथा बहुत बाद में एक प्रेम और वीर काव्य के रूप में चंदबरदाई ने लिखी और इसमें बहुत सी असंभाव्य घटनाएं का समावेश है। दोनों राजाओं के बीच बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था, इसीलिए जयचंद की किनार कसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने लड़ाई के मैदान में 3 लाख सैनिक उतारे, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल थे। संभव है कि दोनों ओर की सेनाओं की संख्या में अति रंजना हो, यानी दोनों की सैनिकों की संख्या में बहुत अंतर था। चौहान सेना संख्या बल में शायद बड़ी थी, लेकिन गौरी सेना अधिक सुसंगठित थी और उसे बेहतर सैनिक नेतृत्व प्राप्त था। यह लड़ाई मुख्य रूप से घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। अंत में गौरी सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक साबित हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान के सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए। पृथ्वीराज चौहान अपनी जान बचाकर भागे, पर सिरसा के निकट उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें बंदी बनाकर गजनी भेजा गया, साथ में चंदवरदाई को भी। पृथ्वीराज चौहान को बड़ी यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उनकी आंखें गर्म लोहे की छड़ से फोड़ दी गई। ये सब देखकर चंदवरदाई बहुत दुखित हुआ और मन ही मन मोहम्मद गौरी को मरवाने के लिए योजना बनाई और उसने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक है जो बिना देखे कहीं भी निशाना साध सकता है। ये कुशलता देखने के लिए मोहम्मद गौरी के अंदर बहुत जिज्ञासा हुई और उसने एक समारोह करवाया। इस समारोह में पृथ्वीराज चौहान को चंदवरदाई ने एक दोहा सुनाया। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान शब्दवान में बहुत निपुण थे और उसने बिना चूके मोहम्मद गौरी पर निशाना साधा और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। जब तक मोहम्मद गौरी की सेना उन दोनों को मारने आती है, वह दोनों खुद अपने को मार करके मर गए। तो आज मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में वीडियो दिया है। अगले वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।